आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पांच बहुत ही बड़ी बातें। दोस्तों काफी किसान ऐसे हैं जो अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में ये बातें नहीं जानते, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कौन कौन सी पांच बड़ी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी हैं वो बड़ी पांच बातें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानिए पाँच बड़ी बातें। दोस्तों अगर आप भी एक किसान भाई हैं और खेती करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द इस स्कीम के तहत आवेदन करें और जल्द से जल्द 6,000 रुपये गवर्नमेंट जो है किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रोवाइड करा रही है, आप जल्द से जल्द उनका लाभ उठाएं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करती है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की को लागू नहीं करने वाले राज्यों की आलोचना भी की थी। उन्होंने यह भी कहा कि ये राज्य जो है ओछी राजनीति के लिए इस योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की मानसिकता से किसानों को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। आइए केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ी पाँच अहम बातों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें यह योजना जो है केंद्र सरकार की स्कीम है। इसका ऐलान जो था 1 फरवरी 2019 को आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है। उसके बाद दूसरी बड़ी बात हम बात करें तो दोस्तों किसानों को किस तरह मिलता है इस स्कीम का पैसा। काफ़ी मेरे को कमेंट आ रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि कैसे हम इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उन सभी कमेंट्स का जवाब मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से पैसा दिया जाता है। इस तरीके से कुल 6,000 रुपये किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में डिजिटल ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाता है। यह पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT के तहत सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। DBT से पैसे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, साथ ही किसान का भी काफ़ी समय बच जाता है। उसके बाद तीसरी अहम बात छोटे और सीमांत किसानों को इस स्कीम में किस तरह से लाभ होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताएं तो एक अनुमान के मुताबिक इस स्कीम में 12 करोड़ से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों को फ़ायदा होगा। इस स्कीम में छोटे और सीमांत किसान जो है खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें खरीद सकते हैं। इससे उनकी फसलें जो है काफ़ी अच्छी होगी, इससे उन्हें ज़्यादा आमदनी भी होगी। इसके अलावा उन्हें सूदखोरों से भी पैसा लेने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने इस पैसे को उचित जगह पर लगाकर अपनी पैदावार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके बाद इस योजना की चौथी बात की हम बात करें तो दोस्तों पीएम किसान योजना किसी तारीख को लागू हुई थी, यानी कि कब लागू हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो दोस्तों पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक यह योजना जो थी 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। इस योजना में राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश के किसान परिवारों की पहचान करते हैं और उन्हीं किसान परिवारों को चुना जाता है जो इस योजना की लाभ से जुड़ी पूरी शर्तें पूरी जो कंडीशन है उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं किसानों को इस स्कीम के तहत लाभ दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस स्कीम की क्या क्या योजनाएँ हैं, क्या क्या शर्तें रखी गई है। तो दोस्तों पाँचवीं बात यही है कि किन किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, कौन से परिवार जो है इस स्कीम की शर्तों के अंतर्गत इसकी जो कंडीशन है उसके दायरे में नहीं आते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें पीएम किसान योजना का लाभ इन स्थितियों में आपको नहीं मिल सकता।
पहली स्थिति हम आपको बताएं तो अगर परिवार का सदस्य संवैधानिक पद पर हो या रह चुका हो तो उसे इस स्थिति का लाभ नहीं मिलेगा, इस स्कीम का लाभ उसे नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी बात, सरकार में वर्तमान या पूर्व मंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो या नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मेयर के पद पे रह रहा हो तो उसको भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरी बात की हम बात करें तो दोस्तों, केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व अफसर और कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। चौथी बड़ी बात की हम बात करें तो ऐसे सभी रिटायर्ड कर्मचारी, जितने भी रिटायर्ड किसी भी क्षेत्र से रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी मासिक पेंशन यानी कि महीने की पेंशन अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आती है तो उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम और पांचवी बड़ी बात कि नहीं इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, तो दोस्तों जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जैसे पेशेवर हुए, वकील हुए, इन सभी को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि दोस्तों ये गरीब किसान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं उन सभी को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पांच बड़ी बातें। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इनसे इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाह रहे हो उसका आंसर, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और जल्द से जल्द आपके प्रश्न का सोल्यूशन आपके पास भेजूंगा। और दोस्तों आप इसी प्रकार से गवर्नमेंट की योजनाओं से संबंधित जानकारी सबसे पहले बिल्कुल सटीक और पुख्ता जानकारी अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, और जिस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से लाखों किसानों ने काफ़ी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लिया है, अगर आप भी उनमें शामिल होकर गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ तो आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के राइट साइड में बगल में इस तरीके से बेल या घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे थंबनेल का बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो दोस्तों मिलेंगे इसी एक और लेटेस्ट और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए किसान यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।